अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हम सबको शर शैतान से महफूज फरमाए। तो डियर स्टूडेंट, मेरे तालीमी राबता यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका खुशामदीद। अगर आप लोगों ने मेरा तालीमी राबता यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी से जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी आप लोगों ने लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस करने की वजह से मिल जाया करेगा। तो डियर स्टूडेंट, इस चैनल को आप लोगों ने ना सिर्फ खुद सब्सक्राइब करना है बल्कि अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करना है, ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो डियर स्टूडेंट, मेरी आज की ये वीडियो 9th क्लास वालों के मैथ के पेपर से रिलेटेड है, जिसमें मैं आप लोगों को मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 एनुअल एग्जाम्स के गेस्ट पेपर्स बताऊंगा, जिसमें आप लोगों के लिए मैं पेयरिंग स्कीम बताऊंगा, लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यूज के क्वेश्चंस बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। तो वीडियो को स्किप किए बगैर आप लोगों ने पूरा देखना है, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो डियर स्टूडेंट, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की जाने। तो डियर स्टूडेंट, पहले मैं आप लोगों के साथ पेयरिंग स्कीम 9th क्लास वालों के लिए शेयर करूंगा, और ये मैथ के लिए है, ठीक है। जो आपका मंडे को पेपर होने जा रहा है, ये मैथ के लिए पेयरिंग स्कीम है। इसको आप गौर से जहन नशीन कर लें, अपने पास पेन पकड़ें, किताब कापी पे जो भी है मोबाइल में साइड पे लिखते जाएं। मैं आपको चैप्टर बताऊंगा कि किस किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगा कि आप लोगों ने किस किस चैप्टर में से कौन कौन सी एक्सरसाइज को प्रिपेयर करना है, और कौन कौन सी एक्सरसाइज में से किस किस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, क्योंकि वही क्वेश्चन इंशाल्लाह पेपर में आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने पेयरिंग स्कीम की तरफ। चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 6 एंड 17, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, इसमें से एक एक एमसीक्यूज आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसके बाद आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3, 5, 7, 8, 9 एंड 14, ये 6 चैप्टर आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। आप लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज पे जो एमसीक्यूज होंगे उनको देखना चैप्टर के लास्ट पे। तो यहाँ से दो दो एमसीक्यूज आएंगे, आप खुद इसको काउंट कर लें। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम पहले पेयरिंग स्कीम की बात करेंगे। अब इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन हमारा होता है ऑब्जेक्टिव का, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन होंगे, हर 9 क्वेश्चन में से आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, यानी आपको पेपर में टोटल 27 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके 27 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, और इनकी तीन पार्ट्स में इसको सेग्रीगेट किया गया होता है। एक पार्ट में 9, दूसरे पार्ट में 9, तीसरे पार्ट में 9, इसमें से आपने 6-6 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। यानी आपने टोटल 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और ये टोटल बनते हैं 36 मार्क्स। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप लोग अगर सिर्फ जो मैं बताने जा रहा हूँ इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन को, इन्हीं एक्सरसाइजेस को, इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह 36 मार्क्स गेन कर लेंगे इजीली। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1, इसमें से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आएंगे। मैंने जैसे आपसे बताया है, इसको पहले भी इससे पहले आपको बताया कि मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, एक उसमें एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन बताऊंगा कि इस एक्सरसाइज में से आपने फलाना क्वेश्चन नंबर करना है, उसमें से फलाना जूस फलाना पार्ट क्वेश्चन आपके पेपर में इंशाल्लाह वही आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने हमारी ऑनलाइन क्लास अगर आप लोगों ने लेनी हो मैथ की, ऑनलाइन मैथ क्लास, तो इसके लिए आप लोग कॉन्टेक्ट करें 4068665 या 2 में से किसी भी एक नंबर पे आप लोगों ने कॉन्टेक्ट कर लेना है हमसे व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप मैसेज करना, आपने कॉल शॉल कोई नहीं करेगा, कॉल नहीं अटेंड होगी। इन कॉन्टेक्ट नंबर पे आप लोगों ने हमसे कॉन्टेक्ट कर लेना है। इंशाल्लाह आप लोगों को ऑनलाइन मैथ क्लास जो है वो जूम ऐप पर होगी। जूम ऐप अभी से आप लोग जो है वो डाउनलोड कर लें। इस पर आप लोगों के साथ हमारी क्लास होगी आफ्टर 7 PM, अफ्तारी के बाद। आप लोग भी अफ्तारी से फ्री हो जाएंगे, अभी फ्री हो जाएंगे। उसके बाद 7 से ऑनवर्ड, ठीक है, 7 बजे के बाद हमारी ऑनलाइन मैथ क्लास होगी। इस क्लास के लिए आपके पास तालीमी राबता के गेस्ट पेपर मैथ के होना ज़रूरी है,
जिनके पास ये गेस्ट पेपर होंगे वही सिर्फ हमारी ये क्लास ले पाएगा, क्योंकि हमने अपने गेस्ट से ही, जैसे मैं बता चुका हूँ कि हम एक एक शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे आपको कि किस किस एक्सरसाइज किस किस क्वेश्चन में से आएगा, वो सारी चीजें हमारे इस गेस्ट पेपर के अंदर अवेलेबल है। क्योंकि आपके पास अगर ये गेस्ट पेपर होंगे तो आपको पता होगा कि सर हमें कौन कौन से क्वेश्चन किस किस एक्सरसाइज से करवाने, तो ये आपके पास होना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को बता दूंगा। हम पहले अपने पेयरिंग स्कीम की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 इसमें से आपके दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो ये टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 9 बन गए। इस 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में से भी आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करना होंगे। चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करें 6 की, तो इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 7, 8, 9 की बात करें तो इसमें से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 10 और 11 की अगर बात करें तो इसमें से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो ये टोटल 9 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 और 4 होता है, इसमें से आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो चैप्टर नंबर 12, 13, 14 की अगर बात करें तो इसमें से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और 15, 16, 17 की बात करें तो इसमें से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आएंगे आपके एनुअल एग्जाम में। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है, इसमें आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक थ्योरम भी होता है, वो आपने लाजमी करना होता है और वो कंपल्सरी होता है, वो आपने करना ही करना होता है, ठीक है। तो पीछे आपके पास 4 क्वेश्चन बच जाते हैं, 4 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, और ये पार्ट्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन पार्ट की फॉर्म में होता है, ए बी की फॉर्म में होगा, और एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे, 4 + 4 = 8 मार्क्स। तो चैप्टर नंबर आप अगर 1, 2 की अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह इसमें से आपका पार्ट ए बी आएगा। चैप्टर नंबर 3, 4 को आप अच्छे तरीके से करेंगे तो इसमें से भी पार्ट ए बी आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका चैप्टर नंबर 5, 6 से आएगा, इसमें भी पार्ट ए बी की फॉर्म में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपने चैप्टर नंबर 7 और 17 को प्रिपेयर कर लेना है। थ्योरम के लिए आपने चैप्टर नंबर 12 और 16 को कर लेना है। थ्योरम्स के लिए आपने करना है 12 और 16 चैप्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना। तो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की मैथ की पेपर्स की। इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सारे गेस्ट पेपर शेयर करूंगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आप लोगों ने हमारी मैथ की ऑनलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, आपको कोई चार्जेस नहीं होंगे ग्रुप में ऐड करने के, कोई चार्जेस नहीं होंगे ऑनलाइन क्लास लेने के, किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन शर्त यह कि आपके पास तालीमी राबता यूट्यूब चैनल के मैथ के गेस्ट पेपर होना जरूरी है। इन्हीं गेस्ट पेपर से इंशाल्लाह आप लोगों की सारी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की सारी स्कीम, ये मेरे पास लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी शेयर करूंगा अपनी नहीं आने वाली वीडियो में। तो मेरी वीडियो को लाजमी आप लोगों ने सपोर्ट करना है, देखना है, शेयर करना है, किसी चीज़ की समझना है तो कमेंट्स भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर्स पे भी पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अपनी नहीं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।